सभी को डॉक्टर राजीव रंजन का नमस्कार। आज मैं बताऊंगा बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में। बायोलॉजिकल ड्रग्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल ड्रग्स हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज करते हैं, किस कंडीशन में यूज करते हैं, कितने सेफ हैं ये दवाइयाँ, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और कौन कौन सी दवाइयाँ इंडिया में ये बायोलॉजिकल ड्रग्स अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल ड्रग्स के बारे में, जो गठिया के किसी भी स्टेज को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कि बायोलॉजिकल ड्रग्स क्या होता है। बायोलॉजिकल नाम से होता है मतलब बायोलॉजी, मतलब ये जो दवाइयां होती है हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस या किसी भी बीमारी में हम देखते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल आपके ही ऑर्गन को डैमेज करता है, उस मॉलिक्यूल को लेकर फिर जो लैब होता है, रिसर्च लैब होता है, वहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसके मॉलिक्यूल के अगेंस्ट दवाइयाँ बनाई जाती है। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल ड्रग बोलते हैं। सो बायोलॉजिकल ड्रग को हम बायोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं, इम्यूनोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। ये ऑटोइम्यून बीमारियां, अर्थराइटिस और बहुत सारे कैंसर में भी यूज किए जाते हैं। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बायोलॉजिकल ड्रग कब जरूरत पड़ती है, जब आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो, मॉडरेट टू सीवियर हो, और फर्स्ट लाइन जो दवाइयाँ हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, लेफ्लुनामाइड, जिसको हम कन्वेंशनल सिंथेटिक डीमार्ट बोलते हैं, अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है तब बायोलॉजिकल ड्रग्स हम देते हैं, क्योंकि इस ये बीमारी अच्छे से कंट्रोल करता है। सो फायदे क्या हैं बायोलॉजिकल ड्रग्स के देने के। पहला, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लामेशन। ये आपके अर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेशन होता है, जोड़ों में दर्द सूजन होता है, उसको बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं और रैपिडली कंट्रोल करते हैं। बहुत ही जल्दी एक्शन इनका आता है और बहुत फास्टली ये कंट्रोल करते हैं। उसके साथ साथ गठिया बाई और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण जो दूसरे ऑर्गन, फेफड़े पे, हार्ट पे, लीवर पे, किडनी पे जो असर होने लगता है गठिया के कारण, उसको भी ये होने नहीं देते हैं अगर बीमारी कंट्रोल में जल्दी कर लेते हैं ये दवाइयाँ तो। उसके साथ साथ ये आपकी मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, आप बैठे नहीं रहते हैं, आप चलने फिरने लगते हैं, क्योंकि जोड़ों में दर्द सूजन नहीं होता है तो आपका जो फंक्शन है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको बहुत ही अच्छे से ये इम्प्रूव करते हैं। लेकिन इसके नुकसान भी कुछ हैं। नुकसान क्या होते हैं? पहला, ये कॉस्टली दवाइयाँ हैं, इनका साल भर का खर्च एक से दो लाख खर्च आते हैं, तो ये कॉस्टली दवाइयाँ। दूसरा नुकसान क्या है कि इसके अपने भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है वो है सीरियस इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन होते हैं जैसे निमोनिया, पेशाब में इन्फेक्शन, तो ये इन्फेक्शंस कॉमनली बायोलॉजिकल ड्रग से देखे जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट्स जो देखते हैं कि लोकल रिएक्शन, जो दवा दिया वहाँ थोड़ा सा जलन, रेडनेस होना, स्किन में एलर्जी होना, नौजिया, वोमिटिंग, हेडेक, तो कुछ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखते हैं सीरियस इन्फेक्शन। सो अब जानते हैं कि कौन कौन से बायोलॉजिकल ड्रग रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अवेलेबल है इंडिया में। सो पहला, हम एंटी टीएनएफ अल्फा मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, एंटी टीएनएफ ड्रग्स, जिसमें एडालिमुमैब, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सीमैब, गोलीमुमैब और सर्टोलीजोमैब पेगोली, ये पांच ग्रुप की दवाइयां हैं जो एक फैमिली एंटी टीएनएफ ड्रग्स हम बोलते हैं। सो ये एक तरह की बायोलॉजिकल ड्रग्स हुए। दूसरा, IL-6 इनिबिटर। IL-6 मतलब ये एक मॉलिक्यूल है जो गठिया बहुत कराती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये मॉलिक्यूल करवाता है, तो उसके अगेंस्ट जो दवाई बनी वो IL-6 इनिबिटर, जिसमें टॉसिलीजुमैब हम बोलते हैं, जो इंडिया में कॉमनली यूज करते हैं। तीसरी जो दवाई है CD20 इनिबिटर, जिसका नाम है रिटक्सीमैब, जो यूज़ किया जाता है। फोर्थ जो दवाई है वो CD80 और 86 इनिबिटर्स होते हैं, जिसको हम अबाटासेप्ट बोलते हैं। तो ये चार मॉलिक्यूल है जो कि बायोलॉजिकल ड्रग के श्रेणी में आते हैं, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं जब ये पहली लाइन की दवाई से गठिया कंट्रोल नहीं होता है। ये गठिया को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करते हैं, लेकिन हर जो बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं उसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं कि कहाँ नहीं देना चाहिए, किस पेशेंट को देना चाहिए, जो कि हमेशा एक रूमेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद और उसके एडवाइस के बाद ही ये बायोलॉजिकल ड्रग्स लेना चाहिए। हम पेशेंट का सारा कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, गठिया का असेसमेंट करते हैं, फिर उनको ये ऑप्शन देते हैं कि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है और आपको बायोलॉजिकल ड्रग्स की ज़रूरत है। सो जरूरी है कि बायोलॉजिकल ड्रग्स हमेशा रूमेटोलॉजिस्ट के सलाह से लें। आशा करता हूँ कि बायोलॉजिकल ड्रग्स पे, जो कि बायोलॉजिकल ड्रग्स कौन कौन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किए जाते हैं,
इस पे ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, मेरे इस मेडग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और ऑटोइम्यून बीमारियों के बारे में आपको अक्सर मैं बताते रहता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।